आप लोगों को अनम्यूट कर दिया मैंने। जी सर, क्वेश्चन नंबर 3 में जी मैग्नीट्यूड कैसे निकाला ये नहीं समझ आया मुझे। कल वाला साइन में इससे पहले वाला सिंपल सारा इससे पहले वाला क्वेश्चन नंबर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देख भाई, इंपल्स वाले असाइनमेंट के जो भी डाउट्स हैं मुझे बताइए, 5 मिनट में डाउट्स डिस्कस कर लेते हैं फिर क्लास में। सो ये आपको ग्राफ दिया हुआ है, सर मेरा क्वेश्चन 2 है सर। चलो 2 पे दिया जाता है। दिस इज 2, दिस इज 4, दिस इज 6, दिस इज 8, ये दिया है और ये 2 है, ये टाइम है सेकेंड्स में, ये एक्स है सेंटीमीटर। ये एंगल थीटा। इंपल्स कब आता है? जब वेलोसिटी चेंज होती है, जब मोमेंटम चेंज होगा। तो पहले हम 0 से लेकर 2 सेकेंड्स के लिए इंपल्स वेलोसिटी क्या आती है? वेलोसिटी सिखाया था आपको, वेलोसिटी देखो ऐसे निकाल सकते हैं, x2 माइनस x1 फाइनल वेलोसिटी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल वेलोसिटी होता है ना, डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी। वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट मींस चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। चेंज इन पोजीशन आप लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। सर इसमें मुझे ये तो समझ आ रहा है कि 2 पे लेते सर, लेकिन ऐसे नहीं ले सकते कि 4 पे एक इंपल्स लेंगे और फिर 8 पे लेंगे। हम इंपल्स तब लेते हैं जब वेलोसिटी चेंज हो। तो देखो 0 से लेकर 2 तक लाइन एक ही तरह से जा रही है, yes, तक वेलोसिटी सेम रही, फिर चेंज हुई 2 से 4 तक। तो जहां वेलोसिटी चेंज होती है वहां हम वेलोसिटी से, तो से 2 वेलोसिटी है, पहले हम 0 से 2 लेंगे वेलोसिटी x2 माइनस x1। तो देखिए यहां पर t1 आपका 0 है और t2 आपका है 2 सेकंड्स, t1 0 है, t2 2 सेकंड्स। आपका जो x1 होगा दैट्स x1 इज 0 और आपका जो x2 होगा दैट x2 इज 2 सेंटीमीटर। आप लिख सकते हैं कि वेलोसिटी हो जाएगी इट्स 2 माइनस 0 बाय 2 माइनस 0, सो योर वेलोसिटी इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी होगी 0 से 2। जब आप 2 से 4 लेंगे, 2 से लेकर 4, सो देखिए वेलोसिटी फिर से होती है x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस। जब आप 2 से 4 लेंगे तो अब आपका जो t1 है दैट t1 इज 2, t2 इज 4, x1 जो होगा देखो t इक्वल टू 2 पर कितना है 2 सेंटीमीटर, x1 इज 2 सेंटीमीटर, x2 ये 4 पर आ गया, 4 पर आ गया तो कितना आ गया 0 सेंटीमीटर। जब आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इट्स x2 व्हिच इज 0 माइनस 2 बाय 4 माइनस 2, तो v आ गया माइनस 2 बाय 2 माइनस 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसे हम v1 कहते थे और इसे हम v2 कहते थे। सेम पैटर्न होगा, 4 से 6 लूंगा तो वही आएगा 1, 6 से 8 लूंगा तो फिर 7। अब आप इंपल्स के लिए ऐसे कैलकुलेट करोगे, इंपल्स इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल, तो फाइनल मोमेंटम इज एम वी टू, इनिशियल इज एम, तो इंपल्स हो गया एम वी टू माइनस वी। तो आपको मास दिया हुआ है, मास है 0.04,
सेंटीमीटर पर सेकेंड है, मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.01 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये -0.01 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा. तो v2 इज -0.0, तो इंपल्स आ गया 0.04 -0.0 -8 × 10⁻¹. इतना न्यूटन सेकेंड का इंपल्स होगा. सो दैट्स क्वेश्चन नंबर 3. इतना लिख लीजिए, फिर 2 डिस्कस करेंगे. सर उसमें मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए था. मैग्नीट्यूड ही तो है बच्चे इंपल्स का. ओके सर. सर हमें सिर्फ इन्हीं दोनों का निकालना था. हाँ तो बस, मैं आप आगे कहीं भी निकालिए, ये तो रिपीट हो रहा है ना. फिर आप 4 से 6, 6 से 8 में निकालिए, इंपल्स वही आएगा जो इतना. सर कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव. जी कौन सी इंपल्स तब आता है जब मोमेंटम चेंज होता है. तो आपको दिख रहा है कि यहाँ वेलोसिटी है, फिर यहाँ चेंज हुई, फिर दोबारा से वही आ गई. तो आप 0 से 2, 2 से 4 निकालिए, या 4 से 6, 6 से 8 निकालिए, इंपल्स सेम रहेगा. सही असाइनमेंट क्वेश्चन है. जी असाइनमेंट. अभी ले रहा हूँ पहले मैं, ये थर्ड हो गया. अब इसके बाद सेकंड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने आपको ग्राफ दिया था. अब मैं पूरा ग्राफ चल गया. सर पिछले क्वेश्चन में टाइम जो है टू कंसेक्यूटिव इंपल्सेस के बिटवीन वो है 2, है ना? ये आपको फोर्स दिया है, ये आपको टाइम दिया है. ये ओ ए बी सी डी, ये 0 हो गया, यहाँ कहीं 1 है, ये 1.5 हो गया, यहाँ कहीं 2 है, ये 2.5 हो गया, ये 3 है और ये 4, और ये 3 आ गया. ये 3 हो गया. ये आपको सिस्टम दिया हुआ है, वो आपसे कहता है कैलकुलेट कीजिए इस प्रॉब्लम से. अब देखिए इंपल्स जो होता है ना, इंपल्स होता है फोर्स बाय टाइम. अब एक ट्रिक याद रखिए, अगर कोई चीज दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर करा ले, ये ग्राफ भी आपको फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ. तो इंपल्स कैसा है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय टाइम. तो आप ऐसे लिखोगे, इंपल्स इज एरिया अंडर फोर्स वर्सेस टाइम. अगर कोई भी क्वांटिटी दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई कर कर आती है, तो उन दोनों क्वांटिटीज का ग्राफ में जो एरिया होगा वो एरिया थर्ड क्वांटिटी देगा. तो यहाँ फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई कर कर इंपल्स आता है, तो इंपल्स पूरा जो ग्राफ का एरिया है उस एरिया से आ जाएगा. तो आपका काम है ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना, ये जो भी एरिया होगा यही एरिया आपको इंपल्स दे देगा. तो ये एरिया निकालने का देखो तरीका क्या है, आप इसको डिवाइड कर दो, इसको कह दो ये फर्स्ट ट्राइंगल है, दूसरा रेक्टेंगल है, और ये आपका ट्रेपेजियम बन जाएगा तीसरा, और ये चौथा रेक्टेंगल बन जाएगा. इन चारों शेप्स का एरिया निकाल दीजिए. तो आप लिख सकते हैं कि जो इंपल्स होगी, इंपल्स इज एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2 प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 3. सर 1 प्लस 2 भी तो ट्रेपेजियम है ना, उसको प्लस नहीं कर सकते बीच में? कौन सा एरिया 1 प्लस 2?
trapezium 3 plus area of rectangle 4. Area of rectangle. तो ये चारों एरिया ऐड कर लीजिए, इंपल्स आ जाएगा। देखिए ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, बेस, ये बेस कितना है 1.5, हाइट कितना है 3, तो इट्स हाफ बेस व्हिच इज 1.5 मल्टीप्लाइड बाय हाइट व्हिच इज 3। ट्रायंगल का एरिया बेस इनटू हाइट, देखिए यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 1.5 से लेकर 2.5 तक 1 हो गया, हाइट 3 है, तो लेंथ इनटू ब्रेथ 1 इनटू 3। ट्रेपेजियम का एरिया इट्स हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड्स क्या है भाई, एक ये पैरेलल साइड है जो 3 तक जा रही है और एक ये वाली साइड है, ये कितनी दी है क्वेश्चन में, ये 2 है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, एक साइड 3 हो गई, एक साइड 2 हो गई, सो ट्रायंगल में ये 1.5 गिवन है, सब दिया जाएगा, सब डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में 2.5 और 3 के बीच में डिस्टेंस कितना है, 0.5 इनटू प्लस लास्ट वाला रेक्टेंगल है, ये वाली लेंथ देखो कितनी होगी, 3 से लेकर 4 तक जा रही है 1, और ये कितना है 2, तो 1 इनटू 3, इसे ऐड कर लीजिए आपका इंपल्स। अब कोई और बता रहा था कि यार डाउट है कल वाले में क्या था, हाँ बोलो सर, क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सर, मुझे मैं एक चीज पूछनी है, हाँ बोलो बोलो सर, सर इसका मतलब, सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि इसका हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ करके बना सकते हैं, कौन सा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, जी सर टाइम ग्राफ को फिर आपको मास से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया वो आपको a इंटू टी देगा, a इंटू टी इज नॉट इम्पल्स, इम्पल्स इज m इंटू a इंटू, तो आप ऐसा कर सकती हैं a वर्सेस t जो ग्राफ है उसका एरिया ले लें और उस एरिया को मास से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अच्छा ओके सर, कह रहे थे या रशाद कह रहा था, सर नहीं मैं नहीं कह रहा था कुछ, चलिए अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चे, मैंने सोचा था कल तक मैं पूरी कंप्लीट करा, पूरी कंप्लीट करा नहीं पाया, तो क्वेश्चन नंबर 3 जरा मैं पूरी करा दूं उसके बाद ही कर पाऊंगा, जरा पढ़ लें पूरी, क्वेश्चन 2 भी है सर, ओके सर, क्वेश्चन 2 ही था सर ये आपका, अरे नहीं सर ये नहीं सर, उसका भी दूसरे असाइनमेंट का, तो दूसरे असाइनमेंट बताओ, सर लेट हो गई थी इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, आप क्या करवा दिया, मैंने असाइनमेंट्स के कुछ डाउट्स थे वो डिस्कस किया, चलिए अब इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस करवाते हैं, इसको रब कर रहा हूँ, इसे आप मल्टीप्लाई, अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 2, चलो ये तो हमें करना ही था, कल मैं आपको सिखा चुका था नॉर्मल रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, टेंशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन दे दिया था आपको, 3 मासेस दिए हुए हैं, इसको मैं ड्रॉ कर दूं, सर जो प्रीवियस क्वेश्चन में आपने जो इमेजिनरी लाइंस डाली थी वो खुद से डाली थी ना, जी खुद से डाली थी, क्योंकि आगे उसने आपको दिखाया हुआ था कि वैल्यूज क्या है, ओके सर, सर सर ये नहीं है मेरा डाउट सर, सॉरी सर इसको रोक लीजिए सर, अरे देख के बताओ क्या पूछना, अरे सर वो मैं आदमी वाला पूछ रहा था सर, जब 50 किलो का वो जो होता है सर वो 25 केजी का ब्लॉक ऊपर खींच रहा है उसके बाद पुली से, तो यार क्वेश्चन नंबर क्या है, 2 सेकंड सर, क्वेश्चन नंबर 3 है सर, क्वेश्चन नंबर 3 पुली है ना, पुली तो हमने अभी डिस्कस ही नहीं किया, पुली नहीं, अब सर मुझे पूछना था क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हां मैं करा रहा हूं, सर मेरा 4 है सर, 4 मैं इसको अब शुरू कर दिया, मैं इसको खत्म कर दूं फिर उसके बाद 4 और 5 दोनों ले लेते हैं, दोनों तो मुझे क्लास में कराने ही थे, सो ये आपको दिया हुआ है 5 kg, ये 5 kg है, ये 2 kg है और ये 3 kg, पूरा सिस्टम ऊपर जा रहा है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 meter पर सेकंड, सर 3 kg लास्ट में, जी 3 1 सेकंड, 5 2 and 3, m1 m2 and 3, यस 5 2 and 3 ऐसे दिया और ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 2 meter पर सेकंड। अब देखिए वो आपसे पूछ रहा है स्ट्रिंग्स में टेंशन कैलकुलेट की,
तो ये सब हमने लास्ट क्लास में किया था कि अगर स्ट्रिंग्स कनेक्टेड है कैसे टेंशन्स होगी। तो यहाँ देखो, इसको मान लीजिए आप ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो 5 केजी के ऊपर एक स्ट्रिंग ये कुछ टेंशन अप्लाई करेगी टी1, एक स्ट्रिंग नीचे है ये कुछ टेंशन अप्लाई करेगी टी2, और 5 केजी पर एक फोर्स और एक्ट कर रही होगी जो 5 केजी का मास है, विच इज 5g। तो कल जहां हमने डिस्कशन छोड़ा था, कल आपको टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन के बेसिक प्रॉब्लम्स कराएंगे, उसी चीज को मैं आगे लेके जा रहा हूँ। तो ये सिस्टम दिया है, इस सिस्टम को ऊपर लेकर जा रहा है विद 2 meter per second स्क्वायर, लाइक ऐसे करके तीन मासेस हैंग कर दिए, तीन स्ट्रिंग्स हैं और ऊपर खींचता हुआ लेकर जा रहा है। तो आपसे कह रहा है कैलकुलेट कीजिए एक्सेलरेशन, टेंशन कितनी होगी स्ट्रिंग। तो अगर मैं 5 kg का मास ले रहा हूँ, इसका वेट होगा 5g, टेंशन ऊपर एक्ट कर रही है T1, स्ट्रिंग है टेंशन नीचे एक्ट कर रही है T2, और ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 meter per second। इसी तरह से अगर मैं 2 kg ले, 2 kg में एक टेंशन ऊपर एक्ट कर रही है विच इज T2, एक टेंशन नीचे एक्ट कर रही है विच इज T3, 2 kg का वेट नीचे एक्ट कर रहा है विच इज 2g, और ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 meter per second। ऐसे ही ये 3 kg, जब 3 kg पर लोगे तो डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है 3g, एक ही स्ट्रिंग है टेंशन ऊपर एक्ट कर रही है T3, ये ऊपर जाएगा विद 2 meter per second। मुझे यहाँ तक बताइए, इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। किसी को भी डाउट नहीं। जैसे कल हम ये सब चीजें बहुत डिटेल में डायरेक्शंस वगैरह डिस्कस कर चुके हैं। FBD बनाते हैं 5 kg। FBD ऑफ 5 kg मास। जब आप 5 kg वाले मास का FBD बनाओगे, ये आपका 5 kg मास। देखिए 5 kg मास पर क्या क्या फोर्सेस काम कर रही होंगी। एक फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है विच इज T1, एक फोर्स नीचे एक्ट कर रही है विच इज 5g, एक फोर्स नीचे एक्ट कर रही है विच इज T2, और ये ऊपर जा रहा है विद 2 meter per second। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपवर्ड्स पॉजिटिव ले लीजिए इट्स T1, डाउनवर्ड्स T2 माइनस 5g इट्स 5×2। तो ये आ जाएगा T1 माइनस T2 माइनस 50 इज 10। सो ये आ गया T1 माइनस T2 इज 60। इसी तरह से 2 kg वाले का FBD बना लीजिए। जब आप 2 kg वाले का FBD बनाओगे तो देखिए 2 kg वाला मास है, फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही है। अपवर्ड्स एक टेंशन एक्ट कर रहा है T2, डाउनवर्ड्स एक टेंशन एक्ट कर रहा है T3, डाउनवर्ड इसका वेट एक्ट कर रहा है 2g, एंड इट्स गोइंग अपवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 meter per second। यहाँ भी जब आप इक्वेशंस लिखोगे, भाई अपवर्ड्स जा रहा है, अपवर्ड्स पॉजिटिव लेंगे तो ये हो जाएगा T2 माइनस T3 माइनस 2g, इट्स 2 × acceleration विच इज 2, T2 माइनस T3 माइनस 20 इज 4, so T2 माइनस T3 इज 24। याद है क्लियर? यस सर। ऐसे ही आप 3 kg का FBD बना लीजिए। जब आप 3 kg का FBD बनाओगे, this is FBD of 5 kg, this is FBD of 2 kg, this is FBD of 3 kg. This is 3. Upwards force act कर रही है T3, ये ऊपर जा रहा है with an acceleration of 2 meter per second। So जब आप इसे solve करेंगे तो आप लिख सकते हो, देखो ऊपर T3 है, downwards 3g है which is 3×2, तो आप लिख सकते हैं T3 minus 30 is 6, तो आप लिख सकते हैं T3 is 36। जो T3 फोर्स एक्ट करेगी, दैट T3 फोर्स इज 36 न्यूटन। तो ये फोर्सेस एक्ट करें, T3 अगर आ गया, आप T3 की वैल्यू रख दीजिए 2 में, तो T2 आ जाएगा, इसे आप 3 कह दीजिए, 3 को आप 2 में रख दीजिए। अब ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कैलकुलेशन, 3 को 2 में रख दीजिए T2 आ जाएगा, T2 को 1 में रख दीजिए T1 आ जाएगा। जल्दी लिखिए इतना, फिर 2 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। भाई एक चीज और है, आप ये ना समझें कि टेंशन की डेफिनेशन पढ़ ली तो हो गया, आपसे डेफिनेशन टेंशन और नॉर्मल रिएक्शन की नहीं पूछेगा। मतलब ये वो कॉमन क्वेश्चन है जो स्कूल एग्जाम्स में आते हैं,
लास्ट के दो क्वेश्चंस में एनसीईआरटी के, तो और अच्छे खासे चांसेस होते ना। लिखिए डन सर। सर मुझे इसमें डाउट था। हाँ बोलिए सर। सर इसमें आपने T1 माइनस T2 माइनस H5G इज इक्वल टू 552 ये कैसे लिखे? कल सिखाया था मैंने ना, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सीलरेशन इक्वेशन ऑफ मोशन, बस मैं वही यूज कर रहा हूँ। देखो अपवर्ड्स मोशन अपवर्ड्स हो रहा है, अपवर्ड्स पॉजिटिव, अपवर्ड्स पॉजिटिव, तो T1 पॉजिटिव, T2 नेगेटिव, 5G नेगेटिव, तो T1 माइनस T2 माइनस 5G विच इज एम ए 5G। T1 minus T2 minus 50 is 10, but T1 minus T2 is not yet 60. Okay. अब आप values रखकर सब calculate कर सकते हैं। इतना लिखिए, फिर next देखते हैं। 4 और 5 में भी doubts। तो ये question रख कर दूँ, question 2 वाला, ये वाला part रख कर दूँ? Yes sir. आप लोग लिखिए जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या था? सही मैन खड़ा है। अच्छा यार 4 के लिए भी थोड़ा सा वेट करो, पुली करा दूं मैं बस, पुली के बाद 5th में ले लूंगा, पुली का कॉन्सेप्ट सिखाना होगा। तो ये 5th में ये मंकी है, मुझे उम्मीद थी कि कल मैं पूरी करा दूंगा। 40 kg का मंकी है, टी मैक्स आपको दिया है 600 liter, फर्स्ट पार्ट में दे रहा है कि ऊपर जा रहा है विद 6 m/s² सेकेंड पार्ट में नीचे आ रहा है विद 4 m/s² थर्ड पार्ट में ऊपर जा रहा है विद 5 m/s फोर्थ में। डायग्राम जरा बताएंगे? हाँ, और रशाद जब कोई असाइनमेंट दिया जाता है ना, एक बार उस असाइनमेंट को घर पर ट्राई करते हैं, वरना क्लास में पीछे होते चले जाओ। तो ये आपको एक स्ट्रिंग दी हुई है, इस स्ट्रिंग में एक मंकी है, ये मंकी ऊपर चढ़ता चला जा रहा है, वो आपसे कह रहा है कि स्ट्रिंग में टेंशन निकाल दो और ये बता दो स्ट्रिंग कब टूटेगी। मैक्सिमम जो टेंशन हो सकती है स्ट्रिंग में, वो मैक्सिमम टेंशन है 600 स्ट्रिंग में, जो मैक्सिमम टेंशन एक्ट कर रही होगी दैट मैक्सिमम टेंशन इज 600। ये ऊपर जा रहा है 6 m/s² से, नीचे आ रहा है 4 m/s² से, ऊपर जा रहा है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 5 m/s, और उसके बाद ये फ्री फॉल है। हर केस में आपको टेंशन के कैलकुलेट करना है सॉल्यूशन पे। तो अगर ये मंकी ऊपर जा रहा है, देखिए मंकी पर फोर्सेस क्या क्या काम कर रही है। मंकी का डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है विच इज 40 g, यहाँ टेंशन एक्ट कर रही है टी। अब अलग अलग केसेस में इस टेंशन की वैल्यूज अलग अलग आएंगे। देखिए अगर फर्स्ट पार्ट देता हूं, फर्स्ट पार्ट लिया, ये वेट है 40 g, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 6 m/s। टेंशन कैलकुलेट करने के लिए जरा आप मुझे कुछ बच्चों से पूछ लो। शाइस्ता मुझे बताओगी जरा किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे? शाइस्ता मुझे आवाज नहीं आ रही। सर मैं बताऊं? नहीं नहीं, शाइस्ता किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे? अच्छा नहीं आया। आतिफ तुम बताओगे इस फर्स्ट वाले केस में किस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे? अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स लेफ्ट? हां
सर जिधर एक्सेलरेशन हो रही है तो एक्सेलरेशन कहां हो रहा है ऊपर सर अपवर्ड ऊपर सर मोशन का डायरेक्शन पॉजिटिव हो रहा मोशन का डायरेक्शन पॉजिटिव है अपवर्ड्स पॉजिटिव हो रहा तो इक्वेशन जो होगी ये मुझे कोई बताएगा अजलान तुम बताओगे इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगी इस सिस्टम के लिए अजलान गलत होने तो टेंशन मत लेना गलत होने बस इक्वेशन बता दो कितना तुम बता सकते हो सर T1 T good minus 40g very good is equals to 40 into 6 तो g is 10 ना तो ये आ गया 240 तो ये t आ गया it's 240 plus 400 so t आ गया it's 640 अच्छा भाई अब मुझे ये बताओ राहिब स्ट्रिंग ब्रेक करेगी या नहीं करेगी मैक्सिमम टेंशन 600 न्यूटन हो सकती है राहिब स्ट्रिंग ब्रेक करेगी या नहीं करेगी हाँ राहिब या नहीं नो सर अरे क्यों नहीं करेगी देखो स्ट्रिंग मैक्सिमम कितनी टेंशन विदस्टैंड कर सकती है मैक्सिमम टेंशन विदस्टैंड करने का मतलब है सिस्टम को जो तुम मैक्सिमम टेंशन अप्लाई कर सकते हो वो 600 न्यूटन और यहाँ टेंशन कितनी आ रही है 650 640 क्या लगता है राय ब्रेक होगा नहीं होगा अच्छा हाँ सर तब होगा स्ट्रिंग विल ब्रेक अच्छा सेकंड अब वो कह रहा है ये ऊपर नहीं जा रहा ये नीचे जा रहा This is tension. It's going downwards. Its mass is 40 kg. It's going downwards with an acceleration of 4 meter per second. So downwards the weight act कर रहा है. That weight is 40. अब जब आप equation of motion लिखोगे, अब ये कौन बताएगा? शाइस्ता अब try करो बच्चे. अब बताओ मुझे किस direction को positive लेंगे? Upwards या downwards? शाइस्ता आवाज आ रही है आपको मेरी? Yes, sir. तो आप मुझे फुल को इग्नोर मारेंगे आवाज आ रही है ये क्या डायरेक्शन पॉजिटिव होगा अपवर्ड या डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड्स पॉजिटिव होगा मोशन का डायरेक्शन पॉजिटिव होता है डाउनवर्ड इज पॉजिटिव सो 40 जी माइनस टी इज 40 इनटू 8 तो ये आ गया 400 माइनस टी इज 160 तो ये T आ गया 240 न्यूटन की टेंशन एक्ट कर रही है दैट्स ऑल सर अगर हमने पॉज मतलब ऊपर लिया गलत अपवर्ड्स में लिया तो फिर क्या होगा गलत गलत बिल्कुल गलत ही रहेगा अगर आप अपवर्ड्स पॉजिटिव ले रही है ना तो फिर आपको एक चेंज और करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन भी अपना नेगेटिव यूज कीजिए तब कुछ बात बन सकती है बट वहां गलतियां बहुत होती हैं इसलिए उस अप्रोच से हमेशा बचिए सर आपने ही तो बोला था अपवर्ड के लिए हम पॉजिटिव लेंगे और डाउनवर्ड के लिए नेगेटिव बच्चे वो मैंने फ्री फॉल में बोला था जब हम फ्री फॉल पढ़ते हैं ना एक्सीलरेशन फ्री फॉल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में वहां बताया था कि अपवर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव डाउनवर्ड इज नेगेटिव यहां फ्री फॉल नहीं हो रहा यहां तो इक्वेशन ऑफ मोशन आप लिख रहे हो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम जो साइन कन्वेंशन प्रिफर करते हैं हमेशा ये होती है जहां मोशन हो रहा है उसे पॉजिटिव वो फ्री फॉल था उसको हम मान छोड़ा है ये तो मोशन क्वेश्चन ऑफ मोशन लिख रहा है सर सर हां हां बोलो बोलो सर ये सेकंड वाले में सर 40 जी तो सर पॉजिटिव में हो गया तो फिर सर ये जो टी है तो सर वो तो नेगेटिव में हो जाएगा बच्चे देखो नेगेटिव तो ये तो सर वो तो फिर माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा ना अरे वो ऐसे था अच्छा ओके सर अच्छा अभी बता के जाओ रुक जाओ शफक शफक एक्सीलरेशन बढ़ गया इसमें कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है एक्सीलरेशन कितना है सर एक्सीलरेशन जीरो होगा एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा देखो ऊपर टेंशन टी एक्ट कर रही है डाउनवर्ड्स वेट 40 जी हो जाएगा एक्सीलरेशन कुछ भी नहीं T minus 40 G is 40
टी इंटू जीरो, तो आप लिख सकते हो टी माइनस 40 जी इज जीरो, सो टी इज 40, सो टी इज 400। फोर्थ पार्ट, फ्री फॉल अगर आ जाए, ये कौन बताएगा मुझे? ये मुझे सर मैं बताऊं? मैं, मुझे पता है तुम कर चुके हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं पूछ रहा, तुमसे भी पूछूंगा जहां पूछूंगा मुझे लगे कि ओके यहाँ इसका दिमाग थोड़ा सा चलेगा। अब इतने दिन पढ़ाते पढ़ाते मुझे अंदाजा हो जाता है कि मुझे कहाँ पर चीज हो चुकी है। क्वेश्चन पूछने का मकसद ये नहीं होता है कि मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि आपको आता है नहीं आता, क्वेश्चन पूछने का सिर्फ ये मकसद है जहाँ मुझे लगता है कि अच्छा इससे पूछकर इसका कुछ फायदा हो जाएगा। सर मुझे एक बात पूछनी थी। हाँ फातिमा। सर सेकंड में जो टेंशन है वो अपवर्ड्स क्यों है? वो तो अवे फ्रॉम द बॉडी होता है ना टेंशन। हाँ बच्चे, ये एक ये मंकी है जो रोप पर लगा हुआ है, तो रोप उसे कहाँ खींच रही है? अवे फ्रॉम द बॉडी कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर जाएगा, इसलिए अवे फ्रॉम द बॉडी, ऊपर चढ़ता चला जा रहा है ना, ऊपर या नीचे भी जा रहा है, अवे फ्रॉम द बॉडी टेंशन। अब यहाँ टेंशन नहीं होगी क्योंकि ये स्ट्रिंग किसी से अटैच नहीं है ना, तो स्लैक कर जाएगी। आप इस वाले पोर्शन में टेंशन ढूंढ रही होंगी ना, तो खुद सोचो एक रस्सी है, रस्सी को पकड़ के कोई ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये वाला जो रोप का पोर्शन होगा ये तो टेंस्ड होगा, लेकिन ये वाला तो स्लैक कर जाएगा ना। स्लैक करने का मतलब है कि अगर ये रोप है यहाँ फिक्स कर दी और यहाँ से कोई जा रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला जो पोर्शन ये तो टाइट होगा, फिक्स होगा, लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है इसके साथ क्या होगा? फिक्स होगा, स्लैक कर जाएगा, ये स्लैक कर जाएगा, फोल्ड हो सकता है। तो यहाँ कोई टेंशन नहीं होगी, जो भी टेंशन होगी तो जहाँ अटैच्ड है वहां और बॉडी के बीच में, इसीलिए मैं मंकी की टेंशन नीचे नहीं है। अच्छा अब अगर फ्री फॉल, मैंने फ्री फॉल ले लिया, फ्री फॉल में जो टेंशन होगी ये टेंशन और ये आ गया आपका डाउनवर्ड स्प्रिंग, ये वेट एक्ट कर रहा है 40। एक्सेलरेशन बताओ कि फ्री फॉल में एक्सेलरेशन -9.8 मीटर पर सेकंड जी लेते हैं ना, वो प्लस माइनस डिपेंड्स ऑन आवर साइन कन्वेंशन, जी होगा, मींस डाउनवर्ड्स जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन। अगर मैं इक्वेशन लिखूं तो किसी पॉजिटिव लेंगे, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स? बॉडी इज गोइंग फ्री फॉल का मतलब क्या है? चढ़ रहा था रोप पर या नीचे आ रहा था, रोप छोड़ दी, जैसे रोप छोड़ दी वो फ्री फॉल में आ गया। फ्री फॉल का मतलब कोई टेंशन एक्ट नहीं करेगी, टेंशन तो स्ट्रिंग ब्रेक किस पार्ट में कर रही है? इस पार्ट। So, दो क्वेश्चंस रह गए, एक थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ के लिए पुली सीखना होगा, पहले पुली का सिस्टम सीख लेते हैं फिर थर्ड और फोर्थ भी आप लिख सकते हैं। इतना लिख लीजिए सर, तो इसमें सारे केसेस में सबसे फर्स्ट पे ब्रेक हो जाएगी टेंशन, क्योंकि फर्स्ट में 600 पे एक्सीड कर रही और कहीं ब्रेक नहीं। सबके समझ में आए? यस सर। अलीशा आपकी फर्स्ट क्लास है मेरे साथ बच्चे? मैं नाम मुझे yes, अच्छा आपकी फर्स्ट क्लास है, सो अलीशा की तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि ये ऑलरेडी फिफ्थ में चल रहा है। बैकअप जो मैं करा रहा हूँ उसमें तो मैं स्टार्टिंग से दे रहा हूँ, बट अभी ये बीच में आपने ज्वाइन कर, आज थोड़ा पेशेंस रखो, सूफिया मैम या कोई ऑफिस में से आपको कॉल करके समझा देगा कि बैकअप तो मैंने कैसे, ज़्यादा दिन पेशेंस नहीं रखना होगा बस आज की बात, उसके बाद। सो नेक्स्ट है आपका फ्री फॉल, हो गया आपका पुली। पुली सीखो, फिर पुली के बाद मासिव स्ट्रिंग सीखेंगे कि एकदम आपकी स्ट्रिंग में मास आ जाए तो उसे कैसे सॉल्व। सो देखो पुली क्या सिस्टम है, अच्छा ये जो पुली मैं बना रहा हूँ आपने देखी है कहीं पुली लगी हुई किसी सिस्टम में कहीं? सर, बेल में। बेल में आपने पुली देखी, और कहीं किसी ने पुली देखी है? सर लिफ्ट में। लिफ्ट में पुली देखी, और
वेल हो गया और एक को एक ने लिफ्ट में देखी थी और कहीं और देखी है कोई? अच्छा देखिए, अगर आप किसी मशीनरी, कोई बड़ी मशीन है, हैवी मशीन है जो लिफ्ट करने का काम करती है, अगर आप उसके पार्ट्स में देखोगे, ऑल्दो आपको ऊपर से नहीं दिखता, जब आप अंदर जाके देखेंगे ना कोई खींच रहा है तो उसमें सर पुरानी वेट मशीन्स, उसके अंदर आपको पुली की जरूरत पड़ेगी। जहां भी आप चीजों को लिफ्ट करेंगे वहां कहीं ना कहीं आपको पुली की जरूरत जरूर पड़ेगी। पुली को यूज करने का सिर्फ ये रीजन होता है कि पुली आपकी एफर्ट्स कम कर देती है। और अब अगर एक मास है, मान लो यही वाला मास, मान लीजिए इस मास को मैंने लिया, पहले आप सीख लो कि पुली यूज क्यों करते हैं, फिर देखेंगे न्यूमेरिकल फिजिक्स क्या है। और मैकेनिक्स में भी ना, जब भी आप न्यूमेरिकल्स देखेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स में पुली जरूर दिखाएगा, वो एक आध क्वेश्चन पुली का जरूर। मान लो एक मास है, मैं आपसे कहता हूँ उस मास को ऊपर उठाओ, मतलब उठाने का एक तरीका है, आपने हाथ से उठा ली, और मैं आपसे कहता हूँ उसी मास को आप यहाँ लगा दीजिए, एक पुली से स्ट्रिंग लीजिए और फिर खींचना शुरू कीजिए, फिर ये मास ऊपर जाएगा। जैसे किसी ने वेल का एग्जाम्पल दिया था, आप एक काम कर सकते हैं कि भाई आपके पास जो बकेट है उसे डायरेक्टली वेल में डाल दीजिए और हाथ से खींच लीजिए, ऐसे भी तो पानी ऊपर आ जाएगा। सर लिफ्ट भी पुली का एग्जांपल हो सकता है, इसमें भी पुली होती है। और उसी वेल में आप ऐसे भी करते हो कि पहले एक पुली से रोप डालते हो, फिर वेल के अंदर बकेट लेकर जाते हो, खींचते हो। सो उस पुली को यूज करने का रीजन इतना है कि आपकी एफर्ट्स कम हो जाती है। अगर आप डायरेक्टली पुल करना शुरू कर देना वेल से वाटर, तो उस वाटर को निकालना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, हैवी बकेट है, बहुत एफर्ट्स लगानी पड़ेगी। लेकिन जब उसी काम को आप पुली के शुरू करते हैं तो आपकी एफर्ट्स कम हो जाती है। इसीलिए आपकी डे टू डे लाइफ में भी पुली बहुत इंपॉर्टेंट है। लिफ्ट पुली के ऊपर चल रही है, वेल का एग्जांपल दिया, मशीनरी के पार्ट्स में मल्टीपल यूज हो रही है, पुली आपकी एफर्ट्स कम कर रही है। इसीलिए पुली मैकेनिक्स में बड़ी इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल्स में आप बुक्स देखेंगे तो भरे पड़े रहते हैं क्वेश्चंस पुली के, उसका रीजन सिर्फ ये, आपकी रियल लाइफ में भी एफर्ट्स कम करेगी। अब यहाँ पर ये तो फिजिकल सिग्निफिकेंस है, अब जब आप थ्योरी में पुली पढ़ते हैं तो आपकी क्या क्या मोटिव है? आपका पहला मोटिव है कि इस पुली से आपने जो मासेस अटैच कर दिए, दिस इज मास M1 एंड दिस इज मास M2। अगर मैं आपसे कह रहा हूँ M2 हैवी है M1 से, इट्स वेरी नेचुरल कि M2 नीचे जाएगा विद एन एक्सेलरेशन, M1 ऊपर जाएगा विद द सेम एक्सेलरेशन। तो आपका एक मोटिव होता है टू कैलकुलेट दिस एक्सेलरेशन सम, इसी तरह से आपको ये एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना फर्स्ट मोटिव। सेकेंड मोटिव इज पुली लगी है, उसमें स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में टेंशन होगी, इट इज वन सिंगल स्ट्रिंग, यहां से लेकर यहां तक एक सिंगल स्ट्रिंग जा रही होगी, तो दोनों पार्ट्स में टेंशन सेम। और ये दो मोटिव है आपके, एक्सेलरेशन निकालना और टेंशन निकालना। अब इस मोटिव में हम कुछ, मैंने जब ये सब लिखा है ना कि दोनों का एक्सेलरेशन है, दोनों की टेंशन टी, तो मैंने कुछ अप्रोक्सीमेशन यूज कर ली। एक्सेलरेशन सेम रखने के लिए मैंने पहली अप्रोक्सीमेशन यूज कर ली कि पुली इज मास, पहली अप्रोक्सीमेशन मैंने यूज कर ली कि जो मेरा पुली है वो मेरा पुली मासलेस है। दूसरी अप्रोक्सीमेशन यूज कर ली मैंने कि जो स्ट्रिंग है दैट इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल, पुली मासलेस भी है और फ्रिक्शनलेस भी। अगर पुली में मास आ जाए और पुली में फ्रिक्शन आ जाए, दोनों साइड जो मासेस अटैच्ड हैं, दोनों मासेस के एक्सेलरेशन अलग अलग हो सकते हैं। और अगर, और यहां जो मैंने स्ट्रिंग ली है, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस, ये दो अप्रोक्सीमेशंस हैं जिन पर हम शुरू में काम करेंगे, फिर उसके बाद हम अप्रोक्सीमेशंस को हटाकर देखेंगे प्रॉब्लम कैसी थी। तो जब तक स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल एंड मासलेस है तो दोनों साइड टेंशन सेम होगी, और पुली के मासलेस होने की वजह से दोनों साइड एक्सेलरेशन सेम। तो ये जो मैं कह रहा हूं दोनों साइड टेंशन सेम है, दोनों मास का एक्सेलरेशन सेम है, ये दो फैक्ट बेसिकली इन दो अप्रोक्सीमेशन से आते हैं। भाई यहां तक बताइए, कुछ डिस्कस करना है, नहीं तो फिर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पुली समझ में आया, पुली का सिस्टम यूज करने का रीजन समझ में आया, एफर्ट्स कम कर देगा, कम एफर्ट्स लगानी पड़ेंगी आपको चीजों को उठाने में, मूव कराने में कम एफर्ट्स लगानी होगी। और तो जरूरी है M2 M1 से ज्यादा भारी होगा।
अब आप जिसे भी भारी ले लो वो नीचे चला जाएगा, जो भी आप M1 हैवी ले लीजिए तो M1 नीचे जाएगा, M2 ऊपर जाएगा, सर दोनों इक्वल, दोनों इक्वल हो तो बैलेंस कर देंगे, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, ऐसे होगा। अगर दोनों मासेस सेम है तो क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो हो जाएगा, याद हुआ? यस सर हो गया। अब इसमें हम फोर्सेस लेना शुरू करते हैं। देखो M1 पर क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही है, फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है टेंशन, नीचे M1 का वेट एक्ट कर रहा होगा। जब M2 लोगे तो क्या क्या फोर्स एक्ट कर रही है ऊपर टेंशन M2। तो अगर मैं FBD बनाता हूँ, M2 का मैं FBD बनाता हूँ, M2 का मैं FBD बनाता हूँ, तो अपवर्ड्स टेंशन है, डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है M2 और ये डाउनवर्ड्स जा रहा है विद एन एक्सीलरेशन। दिस इज FBD ऑफ M2, दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ। तो आप इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, भाई डाउनवर्ड्स मोशन हो रहा है तो डाउनवर्ड्स पॉजिटिव होगा, तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन हो जाएगी M2G माइनस E इज M2A, दैट्स माय फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही आप FBD ऑफ M1 बना सकते हैं, M1 पे FBD। तो जब आप M1 का FBD लेंगे ऊपर टेंशन T एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है M1G और ये अपवर्ड्स जा रहा है विद एन एक्सीलरेशन। सो ऑब्वियसली अपवर्ड्स वाला पॉजिटिव होगा, आपकी इक्वेशन हो जाएगी T माइनस M1G इज M1A, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। आपके पास एक अननोन आपका T है, एक अननोन आपका A है। अब मैं ज्यादातर तो स्ट्रेस देता हूँ कि आप इन दोनों को यूज कर सॉल्व कर लो, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं है, दो इक्वेशंस हैं, दो वेरिएबल है, आप सॉल्व कर लो। बट बुक्स में कुछ शॉर्टकट रिलेशंस गिवन होते हैं, वो डिराइव कर लेते हैं। आप एक काम कर दीजिए, ऐड कर दीजिए 1 और 2, तो 1 और 2 को जब आप ऐड करेंगे इट्स M2G माइनस T इज M2A एंड T माइनस M1G इज M1A। It's M2G minus M1G is M2A plus M1. It's M2G minus M1G is A. It's M2 plus M1. So A is it's M2G minus M1G is M1 plus M1. E acceleration. अब एक्सेलरेशन के इस फॉर्मूले को याद करने का एक तरीका होता है, वो तरीका ये होता है क्वेश्चन नंबर 3। अक्सर लोग इसे याद रख लेते हैं, तो इसे याद रखना ऐसा तरीका है कि A is net unbalanced force, ये जो आपका M2G minus M1G है इसे net unbalanced force कहते हैं, divided by total mass। ऐसे भी आप एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर सकते हो, M2G minus M1G by M1 plus M1। नेट अनबैलेंस फोर्स कहने का लॉजिक बस इतना है कि भाई देखो यहाँ फोर्स एक्ट कर रही है M2G, ये M1G जो फोर्स है ये M2G M2 के मोशन को सपोर्ट करेगी या अपोज करेगी, भाई ये कॉमन क्वेश्चन है सबके लिए, ओपन क्वेश्चन। ये जो M2G फोर्स है, M1G फोर्स, ये M2G M2 मास के मोशन का अपोज करेगी सपोर्ट करेगी मोशन का? सर अपोज करेगी ना, मतलब ये कोशिश करेगी कि ये मूव ना करे। अगर ये M1 M2 की इक्वल हो जाए तो मोशन कैसा होगा? M2 इक्वल हो जाए तो मोशन कैसा होगा? यस होगा ही, रुक जाए। सो M2G माइनस M1G ये इसको आप कहोगे नेट अनबैलेंस फोर्स, बेसिकली मोशन जिस फोर्स की वजह से हो रहा है दैट्स M2G माइनस M1G डिवाइडेड बाय टोटल मास। बहुत अच्छा तरीका है, थोड़ा सा टाइम बच जाता है कि आप एक्सेलरेशन यहां से निकाल दो, टेंशन के लिए भी मैं फॉर्मूला डिराइव कर सकता हूँ बट बहुत हेल्पफुल नहीं होगा, निकालो और यहाँ किसी एक इक्वेशन में रख दो, आपको टेंशन इतना लिखिए, कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं पूरी अलग अलग। सर एक बार रिपीट कर दीजिए वो नेट अनबैलेंस फोर्स कैसे आपने बताया? देखिए M2 पर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो M2G, M1 पर जो फोर्स एक्ट कर रही है M1G। पहले तो ये मैंने जो डिराइव किया ये एक्सप्रेशन डिराइव कर आया, मैंने कुछ अज्यूम नहीं किया। अब इसमें जो न्यूमरेटर आया M2G माइनस M1G को, तो इसको हम नेट
अनबैलेंस फोर्स कहते हैं इज एम टू जी माइनस एम, इसे हम नेट अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। अब इसे नेट अनबैलेंस फोर्स कहने का रीजन क्या है, देखो लॉजिक समझो। एम टू का जो वेट है एम टू जी, ये कोशिश करेगा एम टू नीचे आ जाए, एम टू के मोशन में सपोर्ट करेगा, ये कोशिश कर रहा होगा कि एम टू मूव करे। बट क्या लगता है आपको, एम वन जी, एम वन का जो वेट है ये एम टू के मोशन को सपोर्ट करेगा अपोज करेगा? अपोज करेगा, कोशिश करेगा बैलेंस करने किसी तरह से। और अगर एम वन एम टू इक्वल हो गया तो क्या होगा? सो फिर नहीं होगा मोशन, जाएगा पूरी तरह से जाएगा। तो मोशन किसकी वजह से हो रहा है, वेट की वजह से या अनबैलेंस फोर्स की वजह से? तो फिर क्या फॉर्मूला यही रहेगा? सर इसमें ए का डायरेक्शन तो अलग अलग होगा, क्योंकि सर एक में सर डाउनवर्ड पॉजिटिव लेंगे और सर एक में अपवर्ड। बिल्कुल, मैंने ऐसे ही किया है, दोनों की इक्वेशंस देखी, जब मैंने यहाँ लिया तो डाउनवर्ड्स पॉजिटिव लिया। तो सर जब एक्सेलरेशन सेम है तो सर एक ही डायरेक्शन में लेते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अलग है। तो सोचो पुली है, अगर एक आप एक तरफ से उसे नीचे खींचोगे तो दूसरा वाला पार्ट तो ऊपर ही जाएगा ना, ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों नीचे आ जाए, ऐसे होगा ना? अगर आप इसको नीचे खींचेंगे तो दूसरा वाला ऊपर चला जाएगा, अगर आप इसे नीचे खींचेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। डायरेक्शन अलग होंगे एक्सेलरेशन के बट मैग्नीट्यूड सेम। नहीं नहीं रमशा, वो फ्लैग होस्टिंग में नहीं है, वो तो सिर्फ आप अनटाइट, एक मिनट शफा सर, एक मिनट, फ्लैग होस्टिंग में रमशा सिर्फ अनटाइट करते हैं, मतलब आप फुली यूज नहीं। हाँ बताइए, आप बताइए रमशा। अच्छा सर इसमें हमने एक्सेलरेशन खुद ही अज्यूम करा है ना कि इक्वल है? इन अप्रोक्सीमेशंस की वजह से, मैंने जैसे ही ये कहा ना कि स्ट्रिंग मासलेस है और मैंने ये कहा पुली मासलेस है तो ये एक्सेलरेशन सेम होगा। तो सर इक्वल करने की जरूरत क्या थी? इक्वल करने की जरूरत नहीं थी, अगर मैं ये स्ट्रिंग ना लूं, अगर आप स्ट्रिंग मासलेस स्ट्रिंग लेकर चलिए तो ये अपने आप एक्सेलरेशन सेम आएगा। तो हम इसको दो पार्ट्स में कैलकुलेट करते हैं, एक बार हम करते हैं जब आपकी स्ट्रिंग मासलेस है, फिर एक बार हम कैलकुलेशन पर आएंगे जब आपकी स्ट्रिंग मासिव हो जाएगी। जब आपकी स्ट्रिंग मासिव होगी तो एक्सेलरेशन चेंज कर देगा। तो पहले जरा इजी सिंपल केस करते हैं कि दोनों स्ट्रिंग्स मासलेस हैं, स्ट्रिंग्स इनएक्सटेंसिबल हैं, ताकि एक्सेलरेशन सेम आ रहा। सही, इसकी डेरिवेशन है ना? कह सकते हो आप डेरिवेशन, लेकिन ये कैलकुलेशन आपको न्यूमेरिकल्स में भी करनी है, इससे आप बच नहीं सकते। तो ये जिसने पूछा था कि एक्सेलरेशन सेम रखने की जरूरत क्या है, समझ में आया? हमने सिंप्लीफाई करना yes, है, दो अप्रोक्सीमेशन यूज कर रहे हैं। आगे हम करेंगे जब हम बिना अप्रोक्सीमेशन के सॉल्व करेंगे तो आपको देखेगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। रमजान शाइस्ता सर, दोनों के मासेस एक दूसरे को अपोज करेंगे। बिल्कुल शाइस्ता, दोनों के वेट, नॉट मासेस, दोनों के वेट एक दूसरे के मोशन को सपोर्ट करेंगे, राइट? सर अगर इसमें फ्रिक्शन आ गया पुली में तो फिर क्या इफेक्ट पड़ेगा? एक्सेलरेशन अलग हो जाएंगे, पुली में फ्रिक्शन आके एक्सेलरेशन अलग हो जाएंगे, क्योंकि फ्रिक्शन एक तरफ के मोशन को सपोर्ट करेगी, एक तरफ के मोशन को अपोज करेगी। शफक आप कुछ पूछ रही है? जी सर, मैं ये पूछ रही थी कि जो अभी आपने नेट अनबैलेंस फोर्स की वजह से मोशन का बताया कि सर वो चेंज आएगा, लेकिन सर वो मास में चेंज होगा तब भी तो उस पे वो इफेक्ट पड़ेगा ना? मास में चेंज होगा, मास में जो चेंज आएगा वो आपके सिस्टम में इफेक्ट वेट के थ्रू आएगा। अगर आपका मास चेंज होगा ना, तो मास में चेंज होगा तो ऑब्वियसली वेट में चेंज होगा, और वो चेंज इन वेट रिस्पॉन्सिबल है आपके मोशन के लिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बिना मास चेंज करे हुए वेट चेंज हो जाए, ऐसा हो सकता है कि जी चेंज हो जाए और वेट चेंज हो जाए, पॉसिबिलिटी है। इसीलिए मास न लिखकर हमेशा मैं वेट की टर्म्स में कहने की कोशिश करता हूँ। शफक यही था, मैं समझा नहीं था? जी जी सर, चलिए उसको रब कर रहा हूँ। एक बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि आपको फॉर्मूला यूज करना आ जाए, फिर हम चीजें कॉम्प्लिकेट कर। This is simple formula based numerical. मुझे टेंशन और एक्सेलरेशन दोनों चाहिए, दो केसेस हैं।
सुन लेना पहले, सॉल्व करने से पहले. दिस इज ए एंड दिस इज बी. बी में क्या हो रहा है, आपने पुली ली, आपने 10 केजी का वेट रखा, ये है आपका 10 केजी और आप यहाँ वेट नहीं रख रहे, आप इसे हाथ से पुल कर, आप पुलिंग फोर्स लगा रहे हो, लेट से 50 केजी वेट. में दोबारा कह रहा हूं, नो मास, इस तरफ कोई मास नहीं है, आपने किसी तरह से फोर्स अप्लाई कर दी 50 केजी, हाथ से फोर्स अप्लाई कर दी 50 केजी, मास नहीं. ये दो केसेस हैं, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड टेंशन रिलीज. हाँ शायद कोई परेशानी नहीं, आप लीव करके रिज्वाइन कर लीजिए. सर 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 इसमें जी 10 नहीं है ना, 10 मीटर पर सेकंड. सर शायद थोड़ी देर बाद आएंगे, रुक जाओ. जी 10 ही रहेंगे, सर ने बोला था कि जब नहीं लिखा होता 10 लेंगे. सर हाँ जी, हाँ सॉरी यार, टेंशन सर 67 न्यूटन आ रही है और सर एक्सेलरेशन 3.3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यस सर, मेरी भी वही है. चलो चेक करते हैं एक बार.
आया है, एक बार चेक कर। अच्छा एक मिनट यार, एक आध बच्चा कह रहा है कि जरा हम सॉल्व कर, एक मिनट रुक जाते हैं फिर उसके बाद इसको खत्म कर लेते हैं, एक दो मिनट। भाई आप लोगों के समझ में तो 100% आता है क्लास में, उड़ता तो नहीं ऊपर से? नो सर। गुजार बोला तो सेकंड केस में एक्सेलरेशन 10 आ रही है क्या? सेकंड केस में एक्सेलरेशन चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं। एक्सेलरेशन एंड टेंशन, तो देखो फर्स्ट पार्ट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब फर्स्ट पार्ट में जो मिले किसी से गलत नहीं हो रहा होगा, लेकिन बहुत आंसर्स आ रहे हैं, इतनी वैरायटी में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो एक्सेलरेशन इज नेट डाउनवर्ड फोर्स बाय टोटल मास, और नेट अनबैलेंस फोर्स बाय टोटल मास। So, यहाँ जो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स है, दैट फोर्स इज 10g माइनस 5g बाय 10 प्लस 5, तो ये आ गया 5g बाय 15, सो दैट्स 50 बाय 15, इट्स 10 बाय 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स नेट अनबैलेंस्ड फोर्स। सो ये अगर हमने 5g माइनस 10g कर दिया तो 10 बाय 3 में, मेरे पास में यार ये सर ने 5g माइनस 10g 10g माइनस 5g ना, बट इट्स ऑलवेज हायर माइनस स्मॉलर, ऑलवेज अदरवाइज नेगेटिव आएगा, वो नेगेटिव आपको बता देगा कि आप कहीं कुछ गड़बड़ कर, तो 10kg नीचे जाएगा विद एन एक्सीलरेशन है, 5kg ऊपर जाएगा विद एन एक्सीलरेशन। अरे कोई कुछ कह तो नहीं रहा था, मैं ईयरफोन निकाल के बैठा था, आवाज नहीं आ रही। हां सर मैं कह रहा था सर बहुत कुछ दोनों में से किसी से भी ले लो, 10g से कर ले तो, अगर मैं 10kg का, भाई कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है इसके बिल्कुल ना समझ में आ रहा हूँ, अलीशा को शायद आज थोड़ी बहुत परेशानी आ रही हो, और राहिब को क्योंकि ये कल गायब थी, और कमर को, कमर भी कल गायब, 10kg ऊपर टी डाउनवर्ड्स 10g, और भाई ये नीचे जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन ए। आप इक्वेशन कैसे लिखोगे, इट विल बी 10g माइनस टी इज 10a, जी की वैल्यू रख दीजिए तो 100 हो जाएगा, माइनस टी 10 इंटू एक्सेलरेशन विच इज 10/3, तो ये आ गया 100 माइनस 100 बाय 3 इज टी, तो यहाँ से टी आ गया 200 बाय 3। मैं तो 67 आ रही थी सर। अच्छा सर सॉरी भाई, ये हाँ 10g माइनस 10 के बाद क्या लिखा है, mg माइनस टी इज इक्वल टू 10 है ना सर, ये 10 क्यों है, 5 नहीं होगा? अरे मैं इसका एफबीडी बना रहा हूँ। सेकंड पार्ट का भी सेम ही आंसर है सब कुछ सर, गलत है, गलती करती बस, नहीं तो गलती कर सर, मेरा सेकंड में 10 और 0 आ रहा है, 10 और 0 आ रहा है, चलो देखते हैं सर। और राहिब तुम्हारे समझ नहीं, राहिब नहीं रमशा, रमशा समझ में आ रहे हैं चीजें?
थोड़ी थोड़ी आ रही हैं तो क्या मेरी क्लास में ना तो ये बिल्कुल साफ बोलते हैं मतलब अगर जिसको नहीं समझ में आता वो साफ कहता है नहीं आ रहा थोड़ा थोड़ा वाली फॉर्मेलिटी तो और टीचर्स की तरफ बिल्कुल नहीं आगे दे रहा सर मैंने लास्ट क्लास तो मतलब थोड़ी सी मैंने देखी थी बट मैंने पूरी नहीं देखी वो प्रॉब्लम है देखो मैं सारे ना लेक्चर इसीलिए बिल्कुल रेगुलरली डलवा रहा हूँ चैनल पर कि वो इंटरनेट इश्यूज हो जाते हैं अक्सर हो जाते हैं यस सर यही कि अगर हो गए तो अभी जैसी क्लास खत्म होगी पहले तो मैं रात के 12 बजे तक डलवाता था अब मैं इसको 2 घंटे के अंदर डल जाता तो आप इसको रात को देख लीजिए एक बार तो कम्पल्सरी यस ठीक है तो उजैर दे गलती क्या कर रहा हूँ नेट अनबैलेंस फोर्स कितनी होगी इट्स 10g माइनस 50 न्यूटन बट टोटल मास कितना है राहिब टोटल मास कितना है सिस्टम का राहिब बिल्कुल सही बताइए राहिब टोटल मास कितना है 10 5 थोड़ी ना लगा हुआ है एक ही तो मास है 10 तो हाँ सर मैं शॉर्टकट से नहीं कर रहा सर मैं मेन मेथड से कर रहा था सर सर लेकिन देखिए सर मेन मेथड से 100 माइनस t इज इक्वल टू 10 आ जाएगा सर बिल्कुल आ जाएगा लेकिन यहां पर क्या यहां किस पे लगा दूं सर देखिए मैं इसमें बताता रहा हूं सर t माइनस xg सर mg जो उसका मास होगा t माइनस xg इज इक्वल टू 50 सर क्योंकि f इज इक्वल टू ma ही तो होता है गलत कर रहे हैं दैट x इज 0 यहां पे मैंने मास कनेक्ट थोड़ी ना किया वो सिर्फ फोर्स अप्लाई कर सर x इज 0 या गलत कर बताओ सर आप मास लगाया उधर यहां कोई नो सर कोई मास नहीं लगा सर मैं डायरेक्टली फोर्स अप्लाई करूं 15 सर आप एक बार उस मेथड से प्लीज करके दिखा सकते हैं सर सो ये एक्सीलरेशन आ गई आप टेंशन देखिए 10 केजी का अगर मैं एफबीडी बना दूं बस मैं इसको कंप्लीट कर दूं फिर मैं सारे डाउट्स करा ऊपर टेंशन एक्ट कर रही है डाउनवर्ड्स 10g एक्ट कर रहा है और इसलिए ये नीचे जा रहा होगा ये ऊपर जा रहा है ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सीलरेशन So yeah, wait, 10 minus 10g is 10a. So yeah, get t minus 100 is 10 into a, which is 5. So tension aa gaya 50 plus 100. So yeah, tension aa gaya is 150. तुमने से कोई बताया बोला भी नहीं गलती करता भाई आया फर्स्ट पार्ट शायद सर प्रॉम्स करके फर्स्ट पार्ट क्लियर हुआ सबका यस सर सर बढ़िया यस सर पार्ट क्लियर अच्छा सेकंड पार्ट यहाँ तक एक्सेलरेशन तक सबका क्लियर है अलीना यस सर यस सर सर हमें इसमें हर क्वेश्चन में हम एक्सेलरेशन डाउनवर्ड्स ही लेंगे ना जिसमें मास ज्यादा होगा हाँ बिल्कुल जिसका मास ज्यादा लेकिन नेचुरल है ना कि अगर मैं एक पुली में दो चीजें लगा दूं जिसका ज्यादा मास होगा वो नीचे जा रही होगी जहाँ ज्यादा वेट है ज्यादा फोर्स है नीचे अब यहाँ टेंशन मिटा दिया क्या आपने नहीं हाँ वो गलत हो गया ये ना डाउनवर्ड जा रहा है तो 10g पॉजिटिव लेना होगा टी नेगेटिव व्हिच इज इक्वल टू 10 इनटू तो ये 100 माइनस टी आ गया तो ये टी आ गया 100 माइनस तो ये टी आ गया आपका 50 टेंशन 50 ये बताइए यहाँ टेंशन तक क्लियर हुआ सबका यस सर सबका क्लियर है साजिद अजान अजान यस सर 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 हाँ 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 सर मत सर इस मेथड से भी तो कर सकते हैं सर जो फोर्स लग रही है हम उसको टेंशन मान के निकाल लें सर एक्सेलरेशन वहीं से तो आ रहा हूं तुमने जो कहा भाई देखो उजैर कह रहा है अगर मैं ये डायरेक्ट ना यूज करूं वो एफबीडी से ही करना चाहता है देखिए एफबीडी से कैसे होगा आंसर सेम आएगा मेथड्स अलग-अलग होने से आंसर नहीं चेंज दिस इज 10 kg देखिए 10 kg के साथ तो यही होगा 10g नीचे एक्ट करेगा टेंशन ऊपर एक्ट करेगी और यहां आपने 50 फोर्स लगा दी और ये नीचे जा रहा है विद एन एक्सीलरेशन सो देखिए अगर आप एफबीडी लिखेंगे यहां से यहां टेंशन टी एक्ट कर रही होगी इसका मास तो कोई नहीं है ना
Is that? Other D, point, sir, D, sir. T would be equal to 50. Accept that? जी सर. एक्शन आ गया. अब आप 10 केजी वाली एफबीडी बना दीजिए. 10 केजी ऊपर टेंशन एक्ट कर रही है, नीचे इसका वेट है और भाई ये डाउनवर्ड जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन. तब आप लिख सकते हो आसानी से 10 जी माइनस टी इज 10 ए. तो ये आ गया 10 जी 100 माइनस टी इज 50 इज 10. तो ये ए आ गया 5 मीटर पर सेकंड. अजलान ये नीचे सिर्फ इसलिए जा रहा है क्योंकि 10 केजी वाले का वेट ज्यादा है. देखो ये 100 न्यूटन का वेट एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, 100 न्यूटन का वेट डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है और इधर से मैं सिर्फ 50 न्यूटन से कर पा रहा हूँ. कैसे बैलेंस करूं? ओके सर. बहुत हैवी बॉडी है ना, उसको कम फोर्स अप्लाई करो तो बैलेंस नहीं होगा. भाई यहाँ तक बता दीजिए मुझे, ये क्लियर हो गया सबका? और ये हमेशा याद रखिएगा कि पुली क्यों करते हैं, सिर्फ इसलिए यूज करते हैं क्योंकि पुली आपके एफर्ट्स कम करते हैं. जो आपको पुली है वो पुली आपको एफर्ट्स कम करते हैं, वो असर करते हैं. सर जी, जी सर, सर मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, एक बार और बता दीजिए. कहाँ से कहाँ से? लास्ट वाला और के बाद वाला. और के बाद वाला, तो देखो इसको मैं डायरेक्ट बिना एक्सेलरेशन का ये अनबैलेंस फोर्स वाला फॉर्मूला यूज किया. नीचे 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी और इस पॉइंट का, ये वाला जो पॉइंट यहाँ दिया ना, इसका कोई मास नहीं है, तो होगा ये जितनी फोर्स अप्लाई करी उतनी एग्जैक्ट एक स्ट्रिंग है, वहां कोई मास नहीं अप्लाई किया तो स्ट्रिंग एग्जैक्टली 10 न्यूटन की टेंशन डेवलप कर दी. तो यहाँ 15 न्यूटन अप्लाई किया तो टेंशन 15. शफक इतना है? नहीं सर. आपकी आवाज नहीं आया. नो सर. देखो ये जो पॉइंट दिया है, इस पॉइंट का मास जीरो है, चलो ऐसे समझो कि मास जीरो है, ठीक. मैंने 15 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी और उसके बाद भी ये ऊपर जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन. शफक इक्वेशन बताओ. सर टी माइनस 50 इज एम इनटू ए लिखते हैं. एम कितना है? जीरो. यस सर. टी कितना आ गया? डाउनवर्ड जा रहा है विद एन एक्सेलरेशन है, सो 10 जी माइनस टी इज 10 है, तो 100 माइनस 50 इज 10 है, ए इज 5 मीटर पर सेकंड. चलिए जी सर. सही फॉर्मूला हमेशा एप्लीकेबल है ना? तो ये a is equal to m2 g minus m1 g upon m1 plus m2. नहीं हमेशा नहीं, जब इस तरह का अगर ठीक है ऐसा तब भी हमेशा वैलिड है, लेकिन पुली के केस में ही हमेशा एप्लीकेबल सिस्टम ये वाला सिस्टम. मैं पुली में और सिस्टम चुनूंगा जहां पर ये m2 g minus m1 plus m2 वैलिड नहीं हो पाएगा, कुछ और आ जाएगा. फिर आप कर दूं सर? यस सर. नहीं सर बस एक मिनट. चलिए मैं इसको रख करूँ. अच्छा अब देखिए असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 जो असाइनमेंट कल भेजा था, अब उसका आप क्वेश्चन समझ सकते हैं. उस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 4 फोर्थ में क्या हो रहा था, जो मैंने आपको
एग्जांपल दे ना वेल वाला कि वेल से आप पानी दो तरह से निकाल सकते हो, तो आप डायरेक्टली स्ट्रिंग से पुल कर लो, बकेट लो उसको डाल दो और सीधे सीधे खींच लो, एक वो तरीका है। और एक है आप पुली के थ्रू खींच सकते हैं। आपको क्या लगता है किसमें कम एफर्ट्स लगाएंगे? पुली सर, पुली पुली सर। उस क्वेश्चन नंबर 4 वो ऐसी चीज दे रहा है, बस वो कह रहा है इसको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा दो। जरा क्वेश्चन देखना पड़ेगा कि डेटा क्या दिया है, तो बता देगा मुझे डेटा? सर मैं बताता हूं ना सर, मुझे याद, ये आदमी खड़ा है इतना तो मुझे याद है। यस सर, 25 केजी का ब्लॉक खींच रहा है सर वो नॉर्मली, और वो खुद 50 केजी का है। ये 25 केजी जी सर, ये तो गिर जाएगा। अजय तुम कह रही हो ना कि बोला गिर जाएगा, कौन बोला गिर जाएगा? कौन बोला गिरेगा? कुछ सही बोला जिसने, जो जिसने भी कहा गिर जाएगा, वो जो इंट्यूशंस है ना, उस इंट्यूशंस को मैथमेटिकली प्रूफ करना, सिर्फ यही काम इस क्वेश्चन। सर गिरेगा क्यों सर? हाँ सर, उसका वेट तो ज्यादा है ना। नहीं सर, वेट की बात नहीं, अगर वो अपना फोर्स सर लेके लेट ही जाएगा सर, तो फिर तो गिर ही नहीं सकता ना सर, इतना भी नहीं है सर। उसे एक्स्ट्रा फोर्स मिलेगा ना, स्टेबिलिटी मिलेगी, लेट जाएगा सर। कैसे पकड़ रखा है इसने ये स्ट्रिंग को? यार मेरी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, मतलब मैं बॉडी बिल्डर बंदा है सर। हो गया और ऐसे पकड़ के ना, मेरा हाथ सीधा ऐसे पकड़ के खींच रहा है। अच्छा तो वो उसका हाथ है सर? हाँ हाथ हाथ है इसका, इसका हाथ है जिससे ये खींच रहा है, यहाँ तक हाथ आया इसका और उसके बाद इसको खींच रहा है। एक ये तरीका है इसके खींचने का। सो यहाँ इस मैन पे देखो फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही है। 50 जी वेट है जो डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है? नॉर्मल यार शुरू कर रहा है यार, दो मिनट रुक जाओ जाने के लिए, उसके बाद में शुरू करो, तब तक ड्रॉ कर लो। तो देखिए, नीचे वेट एक्ट कर रहा है 50 जी, ऊपर नॉर्मली एक्शन एन एक्ट कर रहा है और आप इसे ऊपर खींच रहे हैं। तो देखिए नीचे वेट हो जाएगा 25 जी, ऊपर टेंशन। अब आपका काम सिर्फ इतना है, आपको ये डिसाइड करना है ये ऊपर किसी एक्सेलरेशन से खींच रहा है, कुछ गिवन है? देखो क्वेश्चन पढ़ो एक बार, कहीं कुछ एक्सेलरेशन मेंशन है? नहीं सर, यूनिफॉर्मली खींच रहा तो एक्सीलरेशन है। अब देखो आपका जो मोटिव है, आपको डिसाइड करना है कि क्वेश्चन में कह क्या रहा है, वो ये पूछ रहा है कौन सा आसान है या कह रहा है कि फ्लोर यील्ड कर जाएगा? फ्लोर यील्ड कर जाएगा। तो देखो फ्लोर यील्ड करना का मतलब है ये जो मैन यहाँ खड़ा हुआ है, फ्लोर इस पर नॉर्मली एक्शन एग्जर्ट करेगा। भाई मैन उतनी फोर्स फ्लोर पर एग्जर्ट कर रहा होगा, समझ में आ रहा है? यस सर, खड़ा है फोर्स फ्लोर मैन पर एग्जर्ट करेगा, उतनी ही फोर्स मैन फ्लोर पर एग्जर्ट कर देगा। ये समझ में आ रहा है सर? क्वेश्चन क्या कह रहा है तो मुझे पता नहीं। क्वेश्चन देखो ये इस तरह का ना, ये एक प्लेटफॉर्म है ऐसा करके, ठीक है?
इस प्लेटफॉर्म पर ही आदमी जाके खड़ा हो गया और ये 25 केजी का मास है। इस 25 केजी के मास को ये दो तरह से खींचता है। पहले डायरेक्टली खींच रहा है सीधे ऊपर, डायरेक्टली ऐसे उसने हाथ नीचे लिया और खींच दिया। इसे ऐसे समझ लो कि एक वेल है, उस वेल में से कुएं में से वो बकेट निकाल रहा है और डायरेक्टली स्ट्रिंग को खींच रहा है उसमें। ये क्वेश्चन है मरियर। अब उसमें ये निकालना है कि जब ये इसके ऊपर खड़ा है, इस प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है, तो प्लेटफॉर्म इसके ऊपर नॉर्मली एक्शन एग्जर्ट करेगा मैन के ऊपर, मैन उतना ही नॉर्मली एक्शन प्लेटफॉर्म पर एग्जर्ट करेगा। पूछता है प्लेटफॉर्म टूटेगा या नहीं टूटेगा, यील्ड करेगा नहीं करेगा, मीन्स टूटेगा या नहीं टूट जाएगा प्लेटफॉर्म की कुछ पास क्वेश्चन है सर, प्लेटफॉर्म क्यों टूटेगा? हाँ सर, प्लेटफॉर्म से जमीन है ना सर, यील्ड स्ट्रेंथ दी हुई है, पढ़ो उधर। 700 कितना? 700 प्लेटफॉर्म टूटेगा या नहीं टूटेगा। इसमें हम दो चीजें आपको प्रूफ करवा देंगे, ये भी प्रूफ करा देंगे कि प्लेटफॉर्म टूटता है नहीं टूटता, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि ऐसे खींचना मुश्किल है बनिस्बत जब आप पुली कनेक्ट। देखिए आपने ऐसे कनेक्ट कर दिया, ये फोर्स नीचे एक्ट कर रही है मैन, पहले मैं 25 केजी का ब्लॉक ले। भैया क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? यस यस सर, यस सर। क्वेश्चन होता है ना, मैं थोड़ा सा अज्यूम कर लेता हूँ कि आप लोगों ने करा होगा तो क्वेश्चन तो पता होगा। एनीवेज ये मैन का मैंने ले लिया 25 केजी, एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, ऊपर टी टीचे नीचे 25 जी। सो ये जो हो जाएगा इक्वेशन T minus 25 G is 0. तो आप लिख सकते हैं T is 25 G. तो ये आ जाएगा T is 25 into 10. So your T is 250. बताइए इतना आया समझ? तो इसमें acceleration की direction में तो नीचे ही जा रही है ना? Acceleration दिया हुआ नहीं, uniformly खींच रहा है, uniform velocity. So acceleration is 0. 250 new. सर हम पॉजिटिव नेगेटिव तो एक्सेलरेशन से पता करते हैं ना? यस सर। अब बताओ कुछ भी लिख दो, मैं माइनस 25 लिख दूं या 25 माइनस टी लिख दूं, क्या मैटर करे मरिया? नहीं, इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो टी इज इक्वल टू 25 जी आना, आप कैसे भी सर, जब एक्सेलरेशन जीरो है तो साइन कन्वेंशन की जरूरत ही। मुझे यहाँ तक बताइए, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब इस मैन को लेके चलते हैं। ये मैन देखिए, मैन पर फोर्सेस क्या क्या एक्ट कर रही है, एक फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है नॉर्मली एक्शन में, एक इसका वेट नीचे एक्ट कर रहा है विच इज 50 जी, और इसके हाथ पे टेंशन भी, स्ट्रिंग तो इसके हाथ से भी कनेक्टेड है, ये स्ट्रिंग है, इसके हाथ पे भी तो टेंशन अप्लाई करेगी, कहाँ अप्लाई करेगी टेंशन? नीचे। तो इसके ऊपर एक नीचे टेंशन भी एक्ट कर रही है। भाई बताइए तीनों फोर्सेस दिख रही है, इसमें कोई परेशानी तीन फोर्सेस में? सर टेंशन को समझ नहीं आया। यस सही, टेंशन है। इसका हाथ है ये, यहाँ तक ना इसका हाथ आ रहा है और इसके हाथ से स्ट्रिंग कनेक्टेड है। भाई अगर एक स्ट्रिंग लूँ, स्ट्रिंग से मैं दो बॉडीज कनेक्ट कर दूँ, क्या स्ट्रिंग एक ही पर टेंशन अप्लाई करेगी या दोनों? नो सर, दोनों पर करेगी। तो इसका हाथ है उस पर भी तो टेंशन एक्ट करेगी नीचे? तो ये वो मैंने टेंशन ली हुई है तो नीचे एक्ट करेगी, ठीक है? ओके सर। और मैन कहीं नहीं जा रहा, मैन स्टेशनरी, मैन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या सिखाया था, जितनी फोर्स ऊपर उतनी फोर्स नीचे, 50g + 10 is equal to n sir, 50g + t is equal to sir 750 newton हो गया है तो सर 250 + 50 × 10 750 हो गया, 750 newton का क्या मतलब है 750। फ्लोर तोड़ दी इसने तो सर, ये तो फ्लोर ने इस पे अप्लाई किया। अच्छा अच्छा, दिस फोर्स ऑन मैन बाय फ्लोर, टूटेगा तो है, मैन भी फ्लोर पर इतनी अप्लाई करेगा, फोर्स ऑन फ्लोर बाय एक्शन रिएक्शन, एन प्राइम कह देता हूँ, एन के इक्वल होगा, दैट इज 750। अब फ्लोर मैक्सिमम कितना विदस्टैंड कर सकता था, 700 न्यूटन, आपने कितना लगा दिया 750, तो फ्लोर फ्लोर यील्ड कर
यहाँ तक बताइए मुझे, समझ में आया सबको? सर एन वाले से एक बार और बता दो। कहा दोबारा दोबारा बचे क्या कह रहे थे? जितनी फोर्स ऊपर उतनी हाथ निकाला, ऐसे ले गया और पुली से ये 25 केजी के मास को खींच के लाया। तो नीचे 25 जी एक्ट कर रहा होगा, ऊपर टेंशन एक्ट कर रही है। सर अब तो फ्लोर टूट गया तो फिर क्यों लेकर आए? अरे नहीं, मैं इसको पहले अकल आ गई थी, उसको पता चल गया कि ओके ऐसे करूंगा तो फ्लोर टूट जाएगा, मैं किसी और तरह से करके देखता हूं शायद फ्लोर टूट जाए। सो इसमें फर्स्ट वाले केस में फ्लोर टूट गया, उसमें मैन भी टूट जाना चाहिए ना? मार्केट जाते हो बाहर और तुम्हें पता है कि अगर 200 रुपए का खरीदना है तो 100 रुपए लेगा तो निकलोगे नहीं, वो कैलकुलेशन तो आदमी पहले करके चलता है ना थ्योरेटिकली, कम से कम 200 तो लेके चले, 250 लेके चलता है रिक्शे के। उसने भी यही किया, कैलकुलेट करके देख लिया कि भाई फ्लोर टूट जाएगा, उसने कहा ऐसे करूंगा, ऐसे देखते हैं क्या होता है। डाउनवर्ड 50G, ऊपर नॉर्मली एक्शन, और पहले इसका बना देते हैं 25 kg। सर सर सेम ही रहेगा सर, 25G ऊपर टेंशन एक्सेलरेशन जीरो। तुम लिख सकते हो यार टी कितना आ जाएगा, 25G आ जाएगा, टी कितना आ जाएगा, 25 × 10 आ जाएगा, मुझे बताओगी इस पर टेंशन कहाँ एक्ट करी होगी, स्ट्रिंग की वजह से जो टेंशन एक्ट करी होगी डाउनवर्ड्स होगी अपवर्ड्स होगी? सर इसमें मैन में अपवर्ड होगी सर, इस बार मैन के लिए कितनी हो जाएगी लास्ट में? सर मैंने बता दिया अपवर्ड, सॉरी सर सॉरी। चलो टेंशन भी ऊपर एक्ट कर रही है, नॉर्मली एक्शन भी ऊपर एक्ट कर रहा है, सब ऊपर एक्ट कर रहा है, मैन इक्विलिब्रियम तो लिख सकता हूँ एन प्लस टी 50G। भाई सबको देखिए टेंशन ऊपर एक्ट कर रही है क्योंकि अब स्ट्रिंग ऐसे लगी हुई है, स्ट्रिंग तो ऊपर खींचेगी ना अवे फ्रॉम द बॉडी। यस सर दिख गया, यस सर। तो एन प्लस टी 50G आ गया और टी कितना था? 250। एन प्लस 250 इज 50G, n आ गया 500 minus 2, so this n is 250। सर n plus t 50G कैसे हो गए? देखो ऊपर क्या एक्ट कर रहा है, n और t एक्ट कर रहा है ऊपर, और नीचे क्या एक्ट कर रहा है 50G, तो जितनी फोर्स ऊपर नीचे, इक्विलिब्रियम तो तभी होगा ना जब ऊपर और नीचे वाली फोर्सेस बैलेंस कर दें। तो फ्लोर क्या टूटेगा? नो सर, नहीं सर, बस अब उसको अब वो ऐसे करके खींच रहे। चलिए देखिए सर। हाँ शिफ्ट बोलो सर, ये मैन वाला समझा दीजिए एक बार। ये वाला जी, देखिए सर ये मैन इक्विलिब्रियम में है कि मूव कर रहा है? शपथ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का क्या मतलब हो? जितनी फोर्स ऊपर उतनी नीचे। Yes, sir. कैप्शन का डायरेक्शन आया था समझ में? सर टेंशन का? नॉर्मली एक्शन। यस सर वो तो ठीक है। टेंशन का डायरेक्शन? नहीं सर वही नहीं आया। नहीं आया।
देखो ये जो आदमी है ना इसने ऐसे कर कर स्ट्रिंग पकड़ी हुई, ये पुली है या मरा, ऐसे स्ट्रिंग आ रही है और इसने ऐसे कर कर हाथ से स्ट्रिंग पकड़ी हुई, स्ट्रिंग टेंशन कहाँ अप्लाई करेगी? अवे हाथ, अवे फ्रॉम द बॉडी, ऊपर ही तो जाएगी टेंशन। स्ट्रिंग का डायरेक्शन चेंज हो गया, देखो स्टफर पहले स्ट्रिंग नीचे थी इसके हाथ से, अब इसके हाथ से स्ट्रिंग ऊपर, तो स्ट्रिंग इसके हाथ को ऊपर खींचेगी या नीचे खींचेगी, इसलिए डायरेक्शन। अच्छा अच्छा ओके सर, भाई क्लास ओवर, आज हम छोड़ेंगे। एक असाइनमेंट और मैं डाल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर थ्री फिर रह गया, क्वेश्चन नंबर थ्री हम, अच्छा नेक्स्ट क्लास हमारी कब है? संडे, सैटरडे, सैटरडे, सैटरडे कौन सी, अच्छा सैटरडे तो बैकअप क्लास, बैकअप, संडे कंटिन्यू करेंगे, संडे 8:30 बजे डाउट्स, और फिर उसके बाद 9 बजे से जो कुछ भी जेई नीट का पोर्शन है जो हमने पढ़ा है प्रोजेक्टाइल वगैरह में, उससे रिलेटेड जो जेई नीट में क्वेश्चंस आते हैं वो हमने डिस्कस नहीं किए, वो हम संडे डिस्कस करेंगे। सर बैकअप में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा ना? जी बैकअप में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन होगा। हाउ इज दैट? हां जी मैं छोड़ रहा हूं, मेरी नेक्स्ट क्लास है। ओके अल्लाह हाफिज़ कर देंगे सर, थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज़ सर। वो क्वेश्चन आप वो संडे की क्लास में बताएंगे? नहीं बता दूंगा आपको सर। और सर सैटरडे बैकअप